हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में। आज हम फिर 14 नवंबर 2017 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी ऐसी हेडलाइंस न्यूज़पेपर्स में हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स और GS के ऑटोमेटिक अपडेट मिलते रहें। आपको लिंक ढूंढना नहीं पड़ेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करें, इसको इसके लिंक को शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक पे ताकि और भी लोग इस वीडियो से लाभ ले सकें। थैंक यू। पहला पॉइंट है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल दोस्तों हमारे भारत के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं और देखते हैं कौन सी नई बात इनसे जुड़ गई है। उर्जित पटेल को बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS के वित्तीय स्थिरता संस्थान सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। तो आपसे वन लाइनर एग्जाम में पूछेगा कि हाल ही में उर्जित पटेल को किस बैंक के वित्तीय स्थिरता संस्थान सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो एक मुख्य बात आपको बता दूं, अगर भारत किसी सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन करता है तो वो एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं, भारत 2018 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI में 14वें स्थान पर रहा है और पिछले साल इस रैंकिंग में 20वें स्थान पर था, यानी कि अच्छा प्रदर्शन किया है। यह रैंकिंग जर्मन वॉच द्वारा रिलीज की जाती है। तो जर्मन वॉच जो है ये जर्मनी की एक कंपनी है, एक संस्था है जो ये रैंकिंग जारी करती है। पहले स्थान पर स्वीडन तथा अंतिम स्थान पर सऊदी अरब है। तो इस लिस्ट में टोटल 60 देशों पर यह सर्वे किया जाता है और पहले स्थान पर इसमें स्वीडन है और 60वें पे सऊदी अरब है, यानी कि सऊदी अरब लास्ट स्थान पे है। और भारत की बात करें तो भारत इस रैंकिंग में 14वें स्थान पे है। तीसरा पॉइंट है दक्षिण एशिया आर्थिक सम्मेलन। अब देखते हैं ये कहाँ आयोजित हुआ, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण होता है कि कौन सा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया और उसकी थीम क्या थी। तो ये देखते हैं आयोजन कहाँ हुआ। 10वां दक्षिण एशिया आर्थिक सम्मेलन यानी सेस, जिसको हम सेस भी कहते हैं, SAES, इसका आयोजन नेपाल के काठमांडू में किया गया। और बात करें सेस के फुल फॉर्म की, तो सेस का फुल फॉर्म है साउथ एशियन इकोनॉमिक समिट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दक्षिण एशिया आर्थिक सम्मेलन। और इसकी थीम थी दक्षिण एशिया में आर्थिक और सतत विकास को बढ़ावा देना। तो थीम याद रखिए और प्लेस याद रखिए, प्लेस है नेपाल का काठमांडू और थीम की बात करें तो थीम है दक्षिण एशिया में आर्थिक और सतत विकास को बढ़ावा देना। चौथा पॉइंट है मिली बनर्जी। भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला कारोबारी हैं ये, और मिली बनर्जी को हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन के कॉलेज ऑफ पुलिसिंग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए अगर ये भारत से जुड़ी नहीं होती तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से 1% भी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। अब ये भारतीय मूल की हैं इसलिए जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो मिली बनर्जी याद रखिएगा, इनको हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन के कॉलेज ऑफ पुलिसिंग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पांचवा पॉइंट है एशिया प्रशांत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। नई दिल्ली में एशिया प्रशांत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि APCERT का सम्मेलन, जिसको ये 15वां सम्मेलन है, आयोजित किया गया। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि एशिया प्रशांत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का 15वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो वो स्थान है नई दिल्ली। अगर बात करें फुल फॉर्म की APCERT की, तो एशिया पैसिफिक इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको हिंदी में हम एशिया प्रशांत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम कहते हैं। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बस दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि ये कौन सा सम्मेलन था, तो ये 15वां सम्मेलन था। आयोजन स्थल क्या है, आयोजन स्थल न्यू दिल्ली है यानी कि नई दिल्ली। तो एशिया प्रशांत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का 15वां सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। छठवां पॉइंट है मुकेश अंबानी का परिवार। अब देखते हैं ये क्यों चर्चा में है, तो हमेशा चर्चा में रहते हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी का परिवार एशिया का सबसे अमीर परिवार बन गया है। इस लिस्ट में टोटल 50 लोगों की, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इस लिस्ट में टोटल 50 लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है और इसमें सैमसंग की ली फैमिली दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर मुकेश अंबानी की फैमिली है, दूसरे स्थान पर सैमसंग की ली फैमिली है। अगर हम बात करें फोर्ब्स के हेडक्वार्टर की, तो ये इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यानी USA, और इसका स्थापना जो है 1917 में हुआ था और इसके CEO हैं माइकल परलिस। तो आपको याद रखना है कि फोर्ब्स जो है क्या है, फोर्ब्स एक पत्रिका है, मैगजीन है, और ये अपनी एक रैंकिंग जारी करती है। तो इसकी एक रैंकिंग जारी हुई है अभी हाल ही में, जिसमें रिलायंस का फैमिली जो है, रिलायंस
समूह के मुकेश अंबानी की फैमिली जो है वो इसमें टॉप रैंक पे है, और दूसरे स्थान की बात करें तो सैमसंग की ली फैमिली जो है दूसरे स्थान पर है। अब ये एशिया के सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट है, तो एशिया के सबसे अमीर परिवारों के लिस्ट में मुकेश अंबानी का परिवार पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है सैमसंग की ली फैमिली। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सातवां है मिस इंटरनेशनल, तो ये तो और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स और मिस इंटरनेशनल, मिस अर्थ, मिस जो भी स्टेट का एग्जाम होता है ये सारी चीज़ें पूछ लेता है कि कौन सी मिस कहाँ से हैं और कौन चुनी गई है किस ईयर की। तो केविन लिलियाना को 2017 का मिस इंटरनेशनल का खिताब दिया गया है। केविन लिलियाना जो है ये इंडोनेशिया के निवासी हैं। तो आपसे बस इतना ही पूछेगा कि हाल ही में मिस इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता है, तो केविन लिलियाना याद रखिएगा। और केविन लिलियाना किस देश से संबंधित हैं, केविन लिलियाना जो है इंडोनेशिया के निवासी हैं। और बात करें दोस्त हम इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। आठवां है सौभाग्य, सौभाग्य देखते हैं क्या चीज़ है। पावर एंड नई न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए ये नई छप गया है तो आप इसको वही समझिएगा, पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के वेब पोर्टल सौभाग्य की शुरुआत की। तो सौभाग्य जो है एक वेब पोर्टल का नाम है और इसको स्टार्ट किया है पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह ने। अब बात करते हैं तो सहज के फुल फॉर्म की, तो सौभाग्य के फुल फॉर्म की, तो सौभाग्य जो है उसका फुल फॉर्म है सहज बिजली हर घर योजना। तो सौभाग्य का फुल फॉर्म है सहज बिजली हर घर योजना और एक वेब पोर्टल है, इसको पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह ने जारी किया है। और बात करें पोर्टल की, तो पोर्टल है http://sauBhagya.gov.in। तो आप इसको लॉग इन करके चेक भी कर सकते हैं। तो सौभाग्य जो है एक वेब पोर्टल है, याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे एक ऑनलाइनर पूछ सकता है कि सौभाग्य क्या है, वेब पोर्टल है या फिर फिल्म का नाम है, ऐसे ही चार ऑप्शन दे देंगे आपको, आपको बस चुनना है एक ऑप्शन। तो आपका सही ऑप्शन होगा सौभाग्य एक वेब पोर्टल है। नौवां पॉइंट है सिंधु ताई सबकाल, सिंधु ताई सबकाल को डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी लोक सेवा सम्मान प्रदान किया गया है। तो आपसे वन लाइनर ही पूछेगा इसलिए मैंने सारी डिटेल नहीं दी इनके बारे में। तो आपको नाम याद रखना है सिंधु ताई सबकाल का, और इनको अभी हाल ही में डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी लोक सेवा सम्मान प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर सेशन यही समाप्त होता है, कल मैं फिर आपके लिए करंट अफेयर सेशन लेकर आऊँगा। मुझे पता है आपको वीडियो अच्छा लगा है इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके लिंक को फटाफट शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक पे, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। थैंक यू।